नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। पटना वीना सिनेमा हॉल में पहुंच चुका हूं और आपको बता रहा हूं कि कल जो हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी की नई मूवी बाबजी बॉक्स ऑफिस पर जो आने वाली है उसकी ओपनिंग कैसी रहेगी, क्या क्या तैयारियां हैं वीना सिनेमा हॉल की, कितने प्रतिशत लगातार लोग पहुंच रहे हैं। चलिए, एक स्टाफ हैं वीना सिनेमा हॉल के, उनसे पूछते हैं कि कल की मूवी को लेकर क्या क्या तैयारियाँ हैं, कैसी सुविधाएँ हैं और साथ ही कितने शिफ्ट में ये पिक्चर चलने वाली है। आपका पहले बहुत स्वागत है, हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए। आशीष कुमार वर्मा जी। तो आप वीना सिनेमा हॉल के स्टाफ हैं जी। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कल जो बाबजी मूवी आ रही है हिट मशीन की, तो आपकी हॉल में क्या क्या तैयारी है? खेसारी लाल का पिक्चर जैसे अभी चल रहा है चोरी चोरी चुपके चुपके, तो इसका तो रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है। विश्वकर्मा पूजा का शुभ अवसर पर आया था तो फर्स्ट ओपनिंग तो बहुत काफ़ी अच्छा था, लेकिन बाबजी का भी उम्मीद है कि अच्छा चलेगा। और विश्वकर्मा पूजा नहीं है लेकिन फिर भी उम्मीद है लोगों को कि अच्छा पिक्चर, उसका ओपनिंग भी अच्छा रहेगा और हम लोग भी उम्मीद लगाए हुए हैं कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तैयारी भी उसी तरह से जोर शोर से लगी हुई है, यही सब है। और कहें तो कोविड काल की वजह से 50% ही लोगों को आना है, तो उसमें आपकी सुविधाएं क्या क्या है अंदर में, सैनिटाइज़र मास्क वगैरह वो सब क्या क्या सुविधाएं हैं? कोविड को लेकर हमारे यहाँ हॉल में है कि पहले तो साफ़ सफाई पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, और फिर शो के पहले पूरे हॉल को सैनिटाइज किया जाता है। प्रति व्यक्ति को जाते आते में देखा जाता है मास्क लगाए हुए हैं कि नहीं है, प्लस हैंड वॉश के लिए उनको बोला जाता है कि कुछ भी खाइए पीजिए तो हाथ धो करके हाथ में लीजिए। फिर उसके बाद से कि मान लीजिए कि जो भी लोग अंदर जाते हैं तो मास्क लगा के जाते हैं, उसके बाद उनको सैनिटाइज करने के लिए हाथ भी धुलाया जाता है। और अंदर में भी चेयर से लेकर हॉल वॉल पूरा सैनिटाइज होता है हर शो में। जी कहें तो चोरी चोरी चुपके चुपके बहुत अच्छा उसका ओपनिंग मिला, लगातार 7 दिन तक अच्छा चला। बाबजी के लिए सबसे विशेष कौन कौन से शिफ्ट में, कितने शिफ्ट में मूवी चलेगी और साथ ही क्या क्या और सुविधाएं हैं? बाबजी चलेगी सुबह में आपको 10-15 से पहला शो चलेगा, उसके बाद 12:30 बजे से सेकेंड शो है, उसके बाद 3:30 बजे से थर्ड शो और लास्ट शो 6:30 बजे से है। और सुविधा के लिए है तो टिकट कटेगा, सभी को दिया जाएगा, जिसको भी टिकट मतलब देखने की उत्सुकता रहेगी कि हमको टिकट पिक्चर देखना है, पहले देखना है, एकदम आगे देखना है, उसको टिकट एकदम 100% मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। जी और उसको अच्छे से बिठा के सिनेमा में दिखाया जाएगा। सात दिन तक चोरी चोरी चुपके चुपके बहुत अच्छा चला है, कितना कलेक्शन हुआ होगा अभी तक 7 दिनों में? कलेक्शन तो देखिए हम लोग तो उतना नहीं जानते हैं क्योंकि कलेक्शन तो सेल बनता है ऑफिस में, लेकिन बहुत अच्छा कलेक्शन बना है। 2 पिक्चर इससे पहले आया था, एक अर्जुन कमांडो अर्जुन आया था और इससे पहले पवन सिंह का हमें राही प्यार के, उससे कैसा ओपनिंग रहा इसका? वो दोनों से इसका अच्छा है, वो दोनों से काफ़ी अच्छा है इसका, मतलब रिस्पांस मिला है। जी और कलेक्शन भी ठीक ठाक उससे अच्छा है। तो कहें तो अगर बाबजी कल शुक्रवार को रिलीज हो रही है, कल देखने वाली बात होगी कितने लोग आएंगे, तो सारे लोगों की सुविधा के लिए पूरा तैयारियां हो चुकी है? हाँ, सभी जो भी पब्लिक सिनेमा देखेंगे सरकार की तरफ से, जैसे कि अलाउड है 50%, तो 50% व्यक्ति के लिए सारा सुविधा किया गया है ताकि उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। जी। और सिनेमा भी अच्छे से काफ़ी व्यवस्था किया गया है ताकि लाइट भी अच्छा रहे, साउंड भी अच्छा रहे, वो सब देखने में सभी को अच्छा लगे। जी अगर मान लीजिए ज़्यादा संख्या में अगर कल खेसारी लाल जी के फैन पहुँच गए यहाँ पे जो 50% है, तो उसके बाद आपकी क्या क्या और सुविधाएँ हैं? ज़्यादा परसेंट है देखिए हम लोग के तो 50% का अलाउड है, तो 50% को तो जो भी व्यक्ति आएंगे तो पहले जो आएंगे उनको तो 50% मिलेगा, लेकिन बाकी उसके बाद भी जो व्यक्ति मिलेंगे उसको बोला जाएगा कि अगले शो में आपको मिलेगा कंफर्म टिकट, वेट कीजिए। जी हाँ। तो आपके हिसाब से कल कैसी ओपनिंग होने वाली है बाबजी की? हमको तो पूरा उम्मीद है कि अच्छा ओपनिंग रहेगा क्योंकि खेसारी लाल का पिक्चर ऐसे भी अच्छा रहता है, जैसे कि ये चोरी चोरी चुपके चुपके से उम्मीद था कि बहुत अच्छा जाएगा, तो अच्छा गया भी, उसी तरह से बाबजी से भी बहुत अच्छा से उम्मीद है कि अच्छा जाएगा और अच्छा कलेक्शन मिलेगा। मतलब वीना सिनेमा हॉल की पूरी बेहतरीन तैयारी हो गई है और इंतजार है कल सुबह होने का, इसके बाद पूरा धमाका होगा। हाँ, कल फ्राइडे का इंतजार है कि कल सुबह में क्या रिस्पॉन्स मिलता है, हम लोग को तो उम्मीद बहुत ज़्यादा है, बाकी देखिए तो एट ए टाइम शो टाइम में पता चलेगा कि क्या रिस्पॉन्स मिलता है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ वीना सिनेमा हॉल के स्टाफ, इन्होंने बताया कि कल की बहुत अच्छी तैयारी है और साथ ही साफ सफाई की तैयारियां हैं, सैनिटाइजर मास्क की पूरी तरह से प्रबंध है, क्योंकि कोविड की वजह से 50% ही लोगों को सिनेमा घरों में जाने की अनुमति दी गई है, तो बाबजी के लिए काफ़ी ज़्यादा कहें तो लोग पहुँचेंगे,
क्योंकि पहले से ही लगातार तैयारियां चल रही थी, तो उसके लिए काफ़ी सुविधाएं हैं और साथ ही 50% लोगों को बैठने की सुविधाएं हैं। तो आप पहले आइए, फर्स्ट शो अगर आप देखने के काफ़ी उत्सुक रहते हैं तो पहले पहुँचिए सिनेमा घरों में। पहला शो 10:30 बजे से शुरू होता है, तो उससे पहले आएंगे तो आपको टिकट मिलेगा। तो अपना ख्याल रखिए, हम कल सुबह सुबह आएंगे वीना सिनेमा हॉल में, आपको दिखाएंगे कि फर्स्ट शो कैसा रहा और बाबजी की ओपनिंग कैसी रही।